हेलो एवरीवन, दीप्ति किचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मलाई में एक सीक्रेट चीज डालेंगे और 5 दिन की मलाई से 1 किलो घी बना के तैयार करेंगे और साथ ही बनाएंगे मलाई की खुरचन से बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई, जिसको खाते ही मज़ा आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने 5 दिन की मलाई ले ली है। अब इसको हम डाल देंगे एक कढ़ाई में, या जिसमें आपने बनाना है उसमें डाल दीजिए। इसको मैंने तुरंत फ्रिज में से निकाला है, डायरेक्ट मैंने फ्रिज में से निकाला और इसको तुरंत ही हम इसका घी निकालेंगे। इसको मैंने कोई 2 घंटे पहले बाहर निकाल के नहीं रखा था। अक्सर होता है ना, ठंड में हम 2 घंटे पहले ही बाहर निकाल के रख देते हैं। अब इसको मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब एक चम्मच की हेल्प से सारी मलाई को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है ठंड के मौसम में घी निकालने से। अक्सर हमको घी निकालना ठंड के मौसम में झंझट भरा काम लगता है, पर इस टेक्निक से आप घी निकालेंगे ना तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ये देखिए जो घी है, ये देखिए स्टार्ट होना स्टार्ट भी हो चुका है। देखिए साइड में आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज, वो है गेहूं का आटा, जिससे जो हमारा घी है बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी निकलेगा। देखिए लगातार इसको मिक्स करते रहेंगे। दोस्तों, गेहूं का आटा डालने से ये होता है कि जो इसकी खुरचन बनेगी ना तो बहुत ही वाइट बनेगी, और इस खुरचन से जो मिठाई बनाएंगे ना इतनी स्वादिष्ट बनेगी कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने घी की खुरचन से ये स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार की है। अब लगातार इसको चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आप साइड में देख सकते हैं, जो घी है वो निकलना भी स्टार्ट हो चुका है। लगातार इसको प्रोसेस को हमको करना है, बिल्कुल भी चलाना है, इसको बंद नहीं करना, क्योंकि जो हमारी खुरचन है वो नीचे से लग जाएगी, वो बिल्कुल रेड रेड हो जाएगी, पर वो हमको इस रेसिपी के लिए नहीं चाहिए। बिल्कुल वाइट चाहिए खुरचन, जिससे जो आपका वो जो मावा बनेगा ना, जो इसकी मिठाई बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी उस खुरचन से। ये देखिए लगातार 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मलाई में से इजीली जो है वो घी निकलना भी स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, लगातार इस प्रोसेस को आपने करना है। बिल्कुल भी गैस को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और इसको चलाना बंद नहीं करना। ये देखिए लगातार मैं चला रही हूँ, वीडियो को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, मैं आपको प्रोसेस पूरा लगातार दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ही ईजी वे में जो घी है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए लगातार इसको चलाते रहेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से ये जो घी है वो पूरा निकल जाएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल ही इजी टेक्निक है, ना तो कोई मशीन ना तो बिजली, सिर्फ 2 मिनट में आप सीधे मलाई से घी निकाल सकते हैं और साथ ही बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। ये देखिए कितने ही ईजी वे में जो घी है वो निकल चुका है और जो खुरचन है देखिए कितनी ही वाइट बनी है, कितनी प्योर, बिल्कुल मावे की तरह लग रही है ये। आप इसको जब ऐसे भी खा लेंगे ना, इस खुरचन को बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए पूरा घी निकल चुका है। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम छान लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो घी है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और जो आप खुरचन देख सकते हैं कितनी ही वाइट वाइट बनी है, बिल्कुल मावे की तरह। अब एक बाउल ले लेंगे, बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और अच्छे से पूरे घी को छान लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्वांटिटी आप कितनी ही ज़्यादा निकली है। इस तरह से आप इस टेक्निक से आप घी निकालेंगे ना, एक तो फटाफट से निकल जाएगा और कोई झंझट भरा काम भी नहीं होगा। अब ऐसे थोड़ा सा चम्मच से दबाते हुए दबाते जाएंगे और घी इसमें से निकालते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, घी पूरा निकल चुका है। ये देखिए मज़ेदार सा घी हमारा निकल के आ चुका है। अब चलिए बनाते हैं इससे ही बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई मलाई की खुरचन से। ये देखिए जो मलाई की खुरचन थी ना, इसको मैंने वैसे ही गैस पर रख दिया है। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, ये वाली मिठाई इतनी टेस्टी बनती है ना, किसी को भी खिलाएंगे ना पहचान नहीं पाएगा कि आपने मलाई की खुरचन से ये मिठाई बनाई है। ये जो मलाई लड्डू बनते हैं ना, इतने टेस्टी बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, इतने स्वाद होते हैं खाने में, जिसके आगे बड़ी बड़ी जो मिठाइयाँ हैं वो भी फेल हो जाएंगी। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी स्वाद अनुसार। इसके लिए मैंने 2 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन लगातार इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से इस मावे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो आप चीनी कम डाल लीजिएगा। और इसमें थोड़ी सी चीनी मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी चीनी जो मीठा है वो थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है। अगर आपके यहाँ कम यूज़ होता है तो आप कम ही डालिएगा। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, एक बार आप इस तरीके से ये वाले जो मिठाइयाँ बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे।
पूरी चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मावे में। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा, जिससे इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। इसमें ले लिया 1 कटोरी नारियल का बुरादा। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। दोस्तों इससे जो लड्डू बनेंगे ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मिश्रण जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसके लड्डू बांधना स्टार्ट करते हैं। ऐसे हथेलियों के बीच में रखिए और इसको गोल आकार का बना लीजिए और लड्डू की शेप दे दीजिए। दोस्तों इस तरीके से आप लड्डू बना के देखिए, इतने टेस्टी बनते हैं ना कि आप बाज़ार की जो मिठाई लाना वो भूल जाएंगे। घर में अक्सर यही बना के खाया करेंगे। अब थोड़ा सा नारियल का बुरादा लीजिए और अच्छे से इसको कोट कर लीजिए। तो ये हमारा नारियल मलाई लड्डू बन के तैयार हो जाएगा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसी तरीके से मैं सारे बना के रख लूँगी। देखिए अब इसको इसमें लगा देंगे कप में, जो बाज़ार वाले मिलते हैं ना, इसमें लगाएंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा ही टेक्सचर आ जाएगा, वही टेस्ट आएगा। इसी तरीके से मैं सारे बना के रख लूँगी। ये देखिए मैंने सारे बना के रख लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।